स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बैकर एसआरजे में। दोस्तों फाइनली आ चुका है यामा MT-15 E20 वाला इंजन। क्या कंपनी ने अपडेट किया है, क्या प्राइस है, क्या माइलेज है, क्या फीचर्स है और अभी के टाइम में ऑन रोड शोरूम प्राइस कहां तक देखने को मिल सकती है ऑन रोड शोरूम प्राइस, और यदि हम इस बाइक को फाइनेंस में लेते हैं तो मिनिमम डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा, इंटरेस्ट क्या लगेगा, क्या प्रोसेस लगेगा, क्या कितना टाइम लगेगा, कम्प्लीट जानकारी देंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे बाइक के प्राइस को लेकर। ऑन रोड शोरूम प्राइस 2,07,000 के आसपास में इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस हमें इंडियन टू व्हीलर मार्केट में देखने को मिलता है। USD फॉक्स सस्पेंशन, मडगार्ड का डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों इसके हेडलैम्प के बारे में। प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको देखने को मिलता है। 155 सीसी की बाइक है जिसमें कि आपको एलईडी के साथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलता है। इंडिकेटर मिल जाता है फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एलईडी में, और लुक और डिज़ाइन काफ़ी इन्हेंस है जो कि आप देख सकते हैं। बाकी फ्रंट का लुक कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। टोटल इस बाइक में आपको 5 कलर ऑप्शन देखने को मिलता है। हैंडल बार में कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे सेल्फी स्विच, और लेफ्ट हैंडल बार में आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन, सारा फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन प्लस पॉइंट ये आता कि भाई अपडेट क्या हुआ। वीडियो का टाइटल थंबनेल यही था कि भाई वीडियो में अपडेट से क्या हुआ। तो अपडेट दोस्तों E20 वाला इंजन आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पर आपको अपडेट की अगर बात की जाए तो कंपनी ने इसमें डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम दे दिया है जो कि बहुत अच्छी बात है। MT-15 को यहाँ पे मेंशन किया है कंपनी ने। इंजन में आपको मिल जाता है इंजन कूलर। जी हाँ दोस्तों, इंजन कूलिंग सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है। बाकी साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन का फीचर्स जो कि बहुत ही बेहतर फीचर्स है। बाकी इस तरफ आप देखेंगे तो मैग्नेट कवर में आपको यहाँ पर सारा यहाँ पर आपको फीचर्स देखने को मिल जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इंजन यहाँ पर आपको 155 सीसी का। बाकी ब्रेक पैडल ये सब फुटेज वगैरह आप देख सकते हैं। टायर के बारे में हम एक बार बात कर लें। रियर का जो टायर साइज़ है फ्रेंड्स वो आपको 140/70 का आपको टायर साइज़ देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, 140/70 का आपको टायर साइज़ देखने को मिलता है। 17 इंच का आपको सेम अलॉय से देखने को मिल जाता है, डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। बाकी फ्रंट का जो टायर है 180/17 का आपको फ्रंट का टायर देखने को मिलता है। 100/80/70 का आपको टायर साइज़ देखने को मिल जाता है। बैकलाइट वगैरह भी आपको LED। 155 सीसी की बाइक है यामाहा के पास MT-15, और कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें फ़ीचर्स बहुत ज़बरदस्त है। और भी कंपनी की बाइकें हैं 150 सीसी सेगमेंट की, बट उसमें आपको उतना फीचर्स देखने को नहीं मिलता जितना कि आपको MT-15 में देखने को मिलता है। जैसा कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प, DRL लाइट और LED लाइट। DRL लाइट तो नॉर्मल सी बात है, अपाची वगैरह में भी आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको इंडिकेटर भी भाई LED देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छी बात है। कंसोल वगैरह आप देख सकते हैं, डिज़ाइन देख सकते हैं, लुक देख सकते हैं। कलर भी बाय द वे बहुत ही बेहतर कलर है। नो डाउट यामाहा अपनी बाइक में ज़बरदस्त कलर ऐड करती है। जैसे कि स्कूटी में आप देख लीजिए जो यामाहा की ZR है, फेसिनो है, इस पर आप देख सकते हैं कि कितना कलर ऑप्शन दिया है यामाहा ने। इसमें भर भर के कलर दिया, यानी 23 कलर, 24 कलर, इस तरह दोस्तों इतना कलर ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। तो यदि आप इस बाइक को फाइनेंस में लेते हैं तो 50,000 डाउन पेमेंट करके दोस्तों फाइनेंस में ले सकते हैं। अगर आपका डिमांड है कि फाइनेंस डिटेल्स वीडियो लाइए तो बाइकर एसआरजे आपके लिए हाजिर है। फाइनेंस डिटेल्स वीडियो लाएगा। और दोस्तों बाइक बहुत चल रही है जिसके कारण आवाज़ थोड़ा सा मेंटेन कर लेना। मैं वीडियो को बंद करता हूँ, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत